तो गाइस, आज की रेसिपी आपने सोची भी नहीं होंगी। अगर आप एक डिश चूड़ा ले लेंगे, जी हाँ वही हमारा आम तौर का चूड़ा जो खाते हैं हम, और उसमें डाल देंगे धनिया, सौंफ, पॉपी सीड, शक्कर, जीरा, अजवाइन, पिंच हींग, और इन सबको उस चूड़े में मिक्स कर देंगे अगर आप, और उसके बाद उसमें आप डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद अगर आप उसे एक दो तीन शू अगर ग्राइंड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक चटपटा मसाला। जी हाँ, चूड़े से आपने सोचा भी नहीं होगा आप इसकी कितनी चीज़ें बना सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। वो पीस के कुछ इस तरह से हो जाएगा, और आपको करना क्या है, एक डिश में उस मसाले को काट लेना है, और काटने के बाद क्या करना है, एक बोल को रख लेना जिसमें एक छोटी कटोरी आटा ले लेना मैदे का, उसमें थोड़ी सी अजवाइन अगर आप क्रश करके डाल दोगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ना, और ऊपर से बस थोड़ा सा पानी डालना है आपको। उससे पहले तेल की मोन लगा लेनी है, और मोन लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद आपको मिल जाएगा एक परफेक्ट डो। जी हाँ, गुना हुआ आटा। और इसके बाद आपको करना क्या है, इस आटे को आप देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ पर मलकर देखिए कितना अच्छा आटा मिल गया हमें। और इसके बाद हमें कर लेना है इसकी एक रोटी तैयार, और रोटी तैयार होने के बाद तेल, नमक, मिर्ची पाउडर और आमचूर पाउडर का एक मैंने घोल बना के रखा था, और उसे ब्रश से मैं इस पर लगा दूंगी, और लगाने के बाद आपको मिल जाएंगी एक मस्त चटपटी बेस। जी हाँ, और इसके बाद आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। आपको करना ये है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकॉन को दबा देना है, और उसके बाद लाइक करना है, और शेयर हो सके जितना करना है शेयर ज़रूर करना है, और उसके बाद कमेंट कर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, भूल मत जाना सब्सक्राइब करना। और उसके बाद अब मैं बताती हूँ, जो हमने मसाला तैयार किया था चटपटा, उसे चम्मच भर भर के हम इस पे डालेंगे, मगर लिमिट में, ओवर पावर नहीं करना है मसाले को। हम इसे हल्का सा बेलन से दबा लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाए चपाती पर, और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से उंगलियों से दबा दबा के चुम्टी ले लेके इसका रोल बनाना है। जी हाँ, एकदम टाइट रोल, कि किसी के खोलने से भी ना खुले, इतना टाइट रोल। और इसके रोल बन जाने के बाद दोस्तों इसी के साथ हमें रोल को कट करना है इस तरीके से। देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, एकदम प्यार से कट करना, और हाँ, जिस छुरी को ज़्यादा धार हो उससे कट करना। ये पर्सनली मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिगड़ धार की छुरी से कट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे कट करके रखा है, और कितना खूबसूरत तरीके से हमें एक मिल चुकी है भाकर बड़ी। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी तल सकते हैं, मगर मैं इसे थोड़ा सा शेप दूंगी, थोड़ा सा मैं हाथ से दबा दूंगी और इसे चपटा शेप दे दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपको बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जो भी साइज है वो आपके ऊपर है। और इसे आप हमें करना क्या है, हमें इसे अब डीप फ्राई करना है।
तो दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा कि चूड़े से भी बन सकती भाकरवड़ी, है ना कुछ अलग और टेस्टी और न्यू। और हमने इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम इसमें इस्तेमाल किए और कितनी टेस्टी और कितनी जल्दी बनकर रेडी हुई। और आपको एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको फ्री में मिल जाएंगी, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, बस नीचे सब्सक्राइब कर देना है, मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एकदम फ्री। तो दोस्तों सब भाकरवड़ी तल कर रेडी है खाने के लिए। आप इसे चाय के साथ, स्नैक के तौर पे आप कभी भी खा सकते हैं, आपका जब भी मन करा आप इसे बना भी सकते हैं। और कितनी क्रिस्पी बनी देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ, तुरंत चूरमा हो जा रही, इतनी क्रिस्पी बनी आप देख सकते हैं।